आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 6 सितंबर से 12 सितंबर तक विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत विश्व रोकथाम दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल यह सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए हुए लोगों को आत्महत्या से कैसे बचा जा सके इसकी जानकारी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल ने दी और बताया कि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या छत्तीसगढ़ में होती है और सबसे ज्यादा नशे से होती है। सेफ्टी सोशल वर्कर प्रीति जंगेल ने बताया कि अब तक 27 स्कूलों में जाकर स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को भी आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने से पहले सोचने और आत्महत्या जैसे कदम न उठाएं इसको लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अलावा जिला अस्पताल के माध्यम से जुलाई माह में 402 मरीज व अगस्त माह में 379 मरीजों को सलाह देकर वापस भेजा गया है। टीम भारती न्यूज। समझना शुरू कर दे तो शायद हम लोगों की मदद कर सकते हैं और आत्महत्या को रोक सकते हैं। संकेत जैसे अगर आप देखें आपके आसपास के कोई भी लोग, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या बातें कर रहे हों कि मुझे नहीं जीना, मेरे जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, शायद मेरा परिवार मेरे बिना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आप देख रही हो कि वो किसी प्रकार की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, जैसे रस्सी ढूंढ रहे हों, चाकू ढूंढ रहे हों, या मेडिकल में कुछ ऐसी जहरीली दवाइयों को ढूंढ रहे हों, आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, या किसी प्रियजनों की दुखद घटना हो जाना, तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो हमें संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं वो एक आत्महत्या की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप क्या करें? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं तो आप उनसे जाके बात करिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या के बारे में बात करने से आत्महत्या बढ़ जाएगी, लेकिन ये गलत है। हम जब आत्महत्या के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लोग खुल के उसके बारे में शायद आपसे बात कर लें और वो किसी घटना को रोकने में हमको मदद करेगा। आप उनसे बात करें, उनके साथ रहें, उनको अकेला नहीं छोड़े उस समय पे। जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं जैसे रस्सी या चाकू या कुछ ऐसी दवाइयाँ, उनको उनसे अलग कर दें, उनके प्रियजनों के साथ उनको वापस मिलाएं और डॉक्टर के पास लेके जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मानसिक, लास्ट मंथ जुलाई में हमारे पास 402 पेशेंट आए थे और अगस्त महीने में हमारे पास 379 पेशेंट है। और आत्महत्या रोकथाम के लिए हम लोग सबसे पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के लिए सुसाइड प्रिवेंशन का वर्कशॉप करते हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से वो, अगर उनके मन में अगर आत्मघाती विचार आ रहे हैं खुद को मारने का, तो उससे कैसे बचा जा सकता है ऐसे करके। अब तक कितने जगहों पर शिविर? अब तक इस साल 2022 में हमने कम से कम 27 स्कूलों में सुसाइड प्रिवेंशन का कार्यक्रम कर चुके हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.